तीन लाख सके नौकरी लगा रहे हैं हम लोग जो शायद देश में कहीं लग रही होगी विद्यार्थी कह रहे हैं आपकी तो एक कलम घुमाने की देर है आचार संहिता से पहले ही घुमा दीजिए ये कोई घोरना करने की बात होती है ना तो मैं अभी घोरना कर देता हूँ आपको भी ये फीडबैक आ रहा है कि आपके विधायकों को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बहुत है मुख्यमंत्री जी मेरा अगला जो सवाल है वो सैकड़ों की संख्या में मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर आए ईमेल से उपजा सवाल है सबकी इबारत एक सी है अलग अलग विद्यार्थियों ने यह सवाल पूछा है इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सार्वजनिक रूप से, से पूछूं। वो लिखते हैं आपसे निवेदन है कि एक बार फिर आप बेरोजगारों का साथ दें क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत जी रीट लेवल टू को रद्द करते समय लेवल टू में पदों को बढ़ाकर इकत्तीस हज़ार पाँच सौ की भर्ती करने को बोले थे लेकिन बाद में सत्ताईस हजार पदों पर ही लेवल टू में भर्ती निकाली साढ़े चार हजार पद काट लिए हर धरने आंदोलन में हम कहते रहे उन्होंने कहा बढ़ा देंगे लेकिन आज तक नहीं बढ़ाया जो हमारे साथ अन्याय है आप ज़रूर साढ़े चार हजार पद अध्यापक भर्ती लेवल टू में वापस जुड़वाने की बात सी साहब को बोलें देखिए किसी वो एक किसी, किसी की किसी की लॉटरी किसी की नौकरी लगती है तो उसके परिवार में खुशी होती है मुझे खुशी होती है और हमने प्रयत्न किए देश के अंदर कितने लोगों ने लगभग तीन लाख नौकरी निकाली है राजस्थान के अंदर तीन लाख नौकरी कहने के लिए ये ज्ञापन मुझे मिलते हैं बाकायदा हम लोग एग्जामिन करवाते हैं उनको और कोशिश करते हैं कि इन सब की समझ हल हो अधिकांश समझ हल हुई भी है अभी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ मुझे कुछ साथी मिले थे जैसे आपने अभी बताया कुछ प्रॉब्लम फ्री बाकी बची हुई है उनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं पर जो हमने अप्रोच ली है सौ जगह तो मेगा जॉब फेयर लग रहे रहते हैं सौ जगह पर पच्चीस तीस जगह लग चुके हैं बीस तीस हज़ार लोगों नौकरी लग चुकी है तीन लाख सगैर नौकरी लगा रहे हैं हम लोग जो सारे देश में कहीं नहीं लग रही होगी उसके बावजूद मैं समझता हूँ युवाओं की फीलिंग जो है उनका हम ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं क्या चुन उनको रिलीफ मिली ध्यान रखेंगे आपको पाँच में नोट कर लेता हूँ इन साढ़े चार हज़ार के लिए भी कोई आश्वासन मैं नोट कर लेता हूँ देख लेता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आचार संहिता आने वाली है विद्यार्थी कह रहे हैं आपकी तो एक कलम घुमाने की देर है आचार संहिता से पहले ही घुमा दीजिए ऐसा है नहीं ऐसा है अगर ये कर ये कोई घोषणा करने की बात होती ना तो मैं अभी घोषणा कर देता अभी वो स्थिति ऐसी है नहीं जो ऑलरेडी चल रहा है चल रहा है ये मांग अभी की नहीं होगी पुरानी मांग होगी बहुत पुरानी मांग है तो हम फिर भी देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा लगा था मोदी तेरी बैर नहीं वसुंधरा तुझसे खैर नहीं और इस बार कुछ हलकों में नारा लग रहा है कि गहलोत से कोई बैर नहीं लेकिन कांग्रेसी विधायकों की खैर नहीं आपको भी ये फीडबैक आ रहा है कि आपके विधायकों को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बहुत है देखिए ये फीडबैक तो काफ़ी दिन से आ रहा है इसमें कोई दूर नहीं हम लोग बात करते भी विधायक उनसे बात भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोकल समस्या भी होती है कई बार अच्छा काम करने के बावजूद भी पर्सन बन जाता है उल्टा राजनीति में होता है तो ये तो हम पार्टी के स्तर बात बात करते हैं एम एल की मीटिंग बात भी होती है हमारी ये फीडबैक काफ़ी लोगों ने चर्चा में डाल भी दिया है और विपक्ष के का काम भी यही है वो ज़्यादा फैलाते हैं तो ये बात आप जो कह रहे हो इस चर्चा में मुझे मालूम है जानकारी भी मिले चर्चा में तो आखिरी में आपकी पार्टी का ये अंदरूनी मामला सर्वे से सेटल से होगा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से कि जिन्होंने सरकार बचाने में मदद की उनका ख्याल रखा जाएगा डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा बैलेंस होगा